मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। अगर आपकी जीवन दृष्टि भारत की है तो जरूरत है भारत की होनी चाहिए। अगर आपका स्थापना बिंदु भारत का है तो जरूरत है भारतीय होनी चाहिए। तब तो आपकी गाड़ी सीमेंट की से चलेगी, प्रकृति के साथ संतुलन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी जरूरतें आपने यूरोपीय बना लिया और जीवन दृष्टि भारत की रही, सभ्यता का स्थापन बिंदु भारत का रहा, तो यहीं से खिचड़ी बनेगी, घोटाला हो जाएगा, गड़बड़झाला हो जाएगा। वही आज इस देश में हो रहा है। सभ्यता का स्थापन बिंदु हमने बदला है, वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। जीवन दृष्टि हमने बदली नहीं, वो वैसी की वैसी है, लेकिन जरूरतें बदल गई हमारी। और वो बदली हुई जरूरतों को भारतीय जीवन दृष्टि और सभ्यता में हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के सारे दुष्परिणाम हैं गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मारामारी, हिंसा, परिवार का टूटना, संस्कृति का गिरते चले जाना, जो आपके शब्दों में मैं अगर कहूँ तो, या सभ्यता का गिरते चले जाना, ये सब उसी का गड़बड़ जाना। जैसे अब हम ठीक तरह से कहें कि आजकल हम बहुत परेशान करते हैं। भारत में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो मुझे अक्सर शिकायत करते हैं, क्या राजीव भाई संस्कृति आई है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों, तो कहते हैं देखो लड़कियां सड़क पर कैसे कपड़े पहन के चलती हैं। ये सारे बुजुर्गों के मुंह से मैं सुनता हूँ। फिर कहते हैं क्या देखो फिल्मों में फंसे रहते हैं, फिल्में देखते हैं। तो समस्या ये क्या है, वो जो बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं, उनकी दृष्टि भारत की है, स्थापना बिंदु भारत का है, जरूरतें भी भारत की हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार में एक पीढ़ी पैदा हुई है जिसकी दृष्टि तो भारत की है, स्थापना बिंदु भी भारत का है, जरूरतें यूरोप की हो गई। हमारे ही देश में एक पीढ़ी जवान हुई है जिसको सब कुछ जल्दी 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 चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए तुरंत, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, फिर मर गए तो यहीं छूटा। जब धूमिल हो गया हमला, जब बीत हो गया, तो उसी में हम मारामारी में लग गए। अब इस मारामारी के अपने तर्क हैं और कुतर्क, क्योंकि यूरोप में जब ये सब चलता है कि आपको जीवन एक ही है, तो उस जीवन के एक ही होने के कारण सब कुछ जो आपको जल्दी करना है, तो शरीर तो आपका लिमिटेड एनर्जी का सोर्स है, अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड काम करने की कोशिश करते हैं, जो अभी 100 साल में सब कुछ आपको कर लेना है, भोग लेना है, अचीव कर लेना है, तो उसमें से पैदा होता है स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि वो होने वाला है। अगर किसी मशीन की क्षमता है 10 घंटे काम करे, आप उसे 24 घंटे काम लोगे तो क्या होगा, मशीन घिसेगी कि नहीं, स्ट्रेस आएगा कि नहीं, उसको फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं मशीन में, वैसे ही शरीर। तो हमारी जरूरतें यूरोप की हो गई, लेकिन बाकी सब भारत का है, तो मन में पैदा हो रहा है स्ट्रेस, मन में भी और शरीर में, और उस स्ट्रेस के सबसे बड़े दुष्परिणाम के रूप में है वो बीमारियां, जिनका कभी हमने हिंदुस्तान के शास्त्रों में जिक्र भी नहीं सुना कि ये भी कोई बीमारी होती है। चरक, सुश्रुत और भागवत, ये तीन महान लोगों के ग्रंथ में पिछले 6-7 साल से पढ़ रहा हूँ, किसी के भी ग्रंथ में हार्ट अटैक की जानकारी नहीं है, और अगर है तो एक छोटे से रेफरेंस के रूप में है, माने शायद उनके जमाने में हार्ट अटैक होता ही नहीं होगा। और आज हिंदुस्तान में चरक, सुश्रुत, भागवत आ जाए तो उनको सब कुलेक्ट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यार हमने तो जो लिख दिया वो गड़बड़ है, अभी हार्ट अटैक हमारी प्राइम डिसीज है। चरक, सुश्रुत, भागवत के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें डायबिटीज का जो जिक्र है वो रेफरेंस के रूप में है, रेफरेंस समझते हैं कहीं कोने में पड़ा हुआ, लेकिन आज के जीवन में डायबिटीज सबसे प्रमुख है, जीवन का हिस्सा, केंद्र बिंदु। कैंसर जो उनकी किताबों में कहीं रेफरेंस के रूप में हल्का फुल्का है, आज हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य हिस्सा है कैंसर। तो ये कहां से आया, ये वहां से आया कि जरूरतें हमारी विदेशी हो गई, बाकी खांटे हम देशी रहे, तो शरीर इसमें एडजस्ट कर नहीं पाता, तो उसका ये दुष्परिणाम।
और थोड़ा सा आगे बढ़े। हर एक सभ्यता जिसकी अपनी एक स्थापना बिंदु है, निष्पक्ष सभी दुनिया में अलग, उस सभ्यता का अपना वातावरण भी है, पर्यावरण भी है, वो भी स्पष्ट है, वो दूसरों से नहीं लिखा है। जैसे भारत, भारत का अपना वातावरण, अपना पर्यावरण, यूरोप से कभी भी मेल नहीं खाएगा। यूरोप का अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, क्योंकि सभ्यता अलग है तो सब कुछ अलग होता है। क्योंकि सभ्यता शायद दूर तक अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वातावरण और पर्यावरण में से ही निकलती है। अगर और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वहां ये निकलेगा। तो भारत का वातावरण पर्यावरण भिन्न होगा, यूरोप का अलग होगा, क्योंकि दोनों की सभ्यता अलग है, जीवन दृष्टि अलग है, तो है अलग है। आप देख लो, भारत का वातावरण है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण को टेम्परेचर वेरिएशन में अगर मैं कहूँ तो 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर रेंज है, 15 to 45। तो कितना, 30 डिग्री का ही है ना टेम्परेचर रेंज। अब यूरोप में चलो, यूरोप का जो टेम्परेचर रेंज है वो -40 से +40 है, 80 डिग्री का अंतर है। इतना बड़ा रेंज है। यूरोप में कुछ टिपिकल देश हैं जैसे ग्रीनलैंड, वहां नॉर्मल टेम्परेचर -40 डिग्री होता है, 40 डिग्री शून्य के नीचे। और इसी यूरोप का आखिरी हिस्सा है जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, फ्रांस का कुछ हिस्सा, जर्मनी का, वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। तो ये उनका रेंज है, हमारा 15 से 45, उनका -40 से +40, 180 का अंतर अगर डिग्री वाइज देखते हैं, +40 और -40, हमारे यहाँ इतना अंतर नहीं है। तो जिस देश में अंतर टेम्परेचर का बहुत कम है वहां के लोगों की जीवन शैली, और जिस देश में टेम्परेचर का अंतर बहुत ज्यादा है वहां के लोगों की जीवन शैली, अंतर तो होगा। अब अगर हम उस अंतर को ध्यान में नहीं रखें और उनकी अंधाधुंध नकल करने लेट करता है तो उनके यहाँ फिर उसी तरह की जीवन दृष्टि है, उसी तरह की जीवन शैली है, उसी तरह की जरूरत है। शायद उनको एयर कंडीशन होना बहुत जरूरी ही होगा, बहुत जरूरी होगा। शायद हमको उतना जरूरी नहीं भी होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं है। शायद उनको एलोपैथी की दवाओं की बहुत जरूरत होगी जो इतने टेम्परेचर वेरिएट करें और फिर भी सुरक्षित रहें, शायद हमको उतनी जरूरत नहीं भी होगी। शायद उनका खान पान एक तरह का होगा, हमारा दूसरे तरह का होगा। और सबसे बड़ी बात कि जहां -40 डिग्री टेम्परेचर हो और 6-8 महीने लगातार चले, वहां जरा सोचो सूर्य का प्रकाश होगा क्या? अगर सूर्य का प्रकाश होता तो -40 डिग्री टेम्परेचर क्यों होता? तो इसका माने वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया वहां होंगे जो भारत में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत है। और कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया जो वहां होंगे और भारत में नहीं होंगे, तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया के लिए जो दवाएं वहां बनाई जाएंगी शायद हमको उसकी जरूरत नहीं होगी। ऐसे तो होगा। और जब टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा है तो खाने पीने की भी कुछ खास तरह की चीजें जो उनके यहाँ होती वो हमारे यहाँ नहीं होंगी। ऐसे ही चलेगा ना सबका, सब में अंतर आता जाएगा। और जहां तापमान नहीं है, सूरज की धूप नहीं है, वहां की खेती भी कुछ हमारे जैसी नहीं होगी, या तो खेती होगी ही नहीं, या तो साल में कभी एक आध महीने हो गई तो हो गई, बाकी दिन होगी ही नहीं। क्योंकि खेती अच्छी हो उसके लिए सूर्य का तापमान चाहिए, है ही नहीं सूर्य का तापमान साल में 8 महीने 9 महीने, तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। खेती अच्छी नहीं होगी तो खेत की मिट्टी भी अच्छी नहीं होगी, मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उसको तोड़ने में भी मुश्किल आएगी। तो शायद मिट्टी को तोड़ने के लिए उन्हें 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगेगा, भारत को शायद नहीं लगेगा। बात समझ रही? ये अंतर मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं। उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी जरूरतें, वो सब उनके जैसी होंगी, हमारे जैसी नहीं हो सकती। हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी जरूरतें हमारे जैसी होंगी, उनके जैसी नहीं हो सकती। अब अगर हम ये करने की कोशिश करें कि हमारी जरूरतें, हमारी जीवन शैली उनके जैसी करें, तो क्या होगा? कोई घोटाला। ना तो आप उनके जैसे हो पाएंगे, ना अपने रह पाएंगे, बीच में लटक जाएंगे खिचड़ी बनकर। तो बीच में लटक जाएंगे, वैसे ही हम सब बीच में लटके हुए लोग हैं। रोज की जिंदगी में देखो,
रोज की जिंदगी में हम देखें कि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है 15 डिग्री से 45 डिग्री, और हम में से हिंदुस्तान में कुछ लाख तो हैं ही जो सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, पीपी सूट पहनते हैं और टाई इतनी टाइट बांधते हैं कि गर्दन भी ना हिले। ये थ्री पीस सूट और टाई वो टेम्परेचर जोन की ड्रेस है जहाँ -40 है, यहाँ +40 है, क्या जरूरत है। फिर भी हमारे यहाँ कुछ भारतवासी हैं जो इस तरीके से ड्रेस करते हैं और बड़े शान से फख्र से आते बैठते हैं। मुझे मन में हंसी आती है कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, और वो सुपर मूर्ख तब होते हैं जब शादी वाले दिन वो ड्रेस पहनते हैं, और शादी भी जून के महीने में हो तो सुपीरियोरिटी में मूर्खता भयंकर। मई जून की गर्मी अभी चल रही है, शादियां हो रही है, दूल्हे राजा घोड़े पर बैठे हैं थ्री पीस सूट और टाई लगा के, जो हमारे टेम्परेचर जो उनको सूट नहीं करता। इसी तरह से भारत का जो टेम्परेचर जोन है उसी में खास तरह का खान पान होगा, होगा कि नहीं, उनका खास तरह का होगा। तो हमारे खास तरह के खान पान में हमने अपनी चीजें जो हजारों साल से विकसित करके लाई है और उन्होंने कुछ 200-250 साल में विकसित करके लाई है, दोनों में अंतर होगा। लेकिन हम अपना खान पान छोड़कर अगर उनका खाना शुरू करेंगे तो फिर घोटाला होगा। जैसे बहुत कम टेम्परेचर जोन में जवान रहते हैं तो जो भी चीज खानी पड़ेगी वो फर्मेंटेड हो तभी आप खा पाएंगे, उनके लिए फर्मेंटेड होना ही सबसे आवश्यक है। फर्मेंटेड को अगर आप सरल भाषा में कहें तो सड़ा के खाना ही आवश्यक है, गेहूं का आटा है, उससे वो पाव रोटी बनाएंगे तो सीधे नहीं बनाएंगे, पहले उसको सड़ाएंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन फर्मेंटेड होगा, फिर उसके बाद उससे पाव रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, शायद वो उनको सूट करे। हम तो नहीं खा सकते एक दिन भी फर्मेंटेड किया हुआ क्योंकि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। अब अगर हम भारत में रहते हुए पाव रोटी और डबल रोटी खाएंगे जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी है तो उसमें घोटाला होने ही वाला है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आप पाव रोटी डबल रोटी खाएंगे तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो बड़ी आंत में सड़ के फंस जाएगी। यूरोपियन लोगों को वही डाइजेस्ट होती है, उनकी बड़ी आंत में सड़ते और फंसते नहीं बैठती है। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन टेम्परेचर जोन अलग अलग होने के कारण हमारे यहाँ असर उसका अलग है, उनके यहाँ असर बिल्कुल अलग है। आप अगर चाय कॉफी पीने लगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन यूरोपियन लोग वही चाय कॉफी पिएंगे तो उनके लिए वो औषधि का काम करेगी। अगर आप गर्म चीजें खाने लगे, ज्यादा तीखी मिर्ची और तली हुई चीजें खाने लगे तो वो आपका पित्त बिगाड़ देंगे, लेकिन यूरोपियन लोगों के लिए शायद वो पित्त सुधार देंगे। तो आप देखिए हमारा जो टेम्परेचर जोन है वो एक खास तरह का, यूरोप का टेम्परेचर जोन दूसरे खास तरह का। तो हमारा खान पान अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, आचार व्यवहार अलग होगा, इसी को हम कहेंगे संस्कृति। अब मैं संस्कृति की डेफिनेशन करना चाहता हूं इतनी बड़ी भूमिका देने के बाद। संस्कृति की अगर को डेफिनेशन देनी हो तो चार आधार पे, पहला आधार आपका आहार, आहार, दूसरा आधार आपका आचार, आचार या व्यवहार जो आप उसको करें, तीसरा आधार आपकी औषधियां जो आपको जीवन में काम आए, या तो औषधियों को आहार का हिस्सा बना लो। तो आहार अगर औषधियों का हिस्सा हो तो तीन ही आधार है, आहार, आचार और विचार। आप एक खास तरह के मेंटेलिटी वाले हैं तो आपका विचार कैसा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, सारी दुनिया है, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीव जंतु हैं, हमारा भी जन्म किसी दूसरी योनि में हो सकता है, तो सबसे मेलजोल करो, दोस्ती रखो, पता नहीं कब इनकी जरूरत आपको पड़ जाए, तो जियो और जीने दो, ये हमारा विचार। और उस विचार के आधार पर हम आचार करेंगे, फूल मत तोड़ो, पत्ती मत तोड़ो, ये वेस्ट मत करो, वो वेस्ट मत करो, तो हम ये जो अपने आचार को गढ़ेंगे इनको हम कहेंगे संस्कार। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करना है, ये नहीं करना, ये सब कुछ चला जाएगा संस्कार। तो आप सुनते हैं ना बार बार भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान है, क्योंकि संस्कृति का मूल तत्व जो आचार है वो करने न करने से आता है।
तो आपका मूल तत्व अगर आचार है तो करना ना करना तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो संस्कार तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बिना उसके तो हम चल नहीं पाए। और अगर चलने की कोशिश करेंगे तो इसमें डूब जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति उसके तीन मूल आधार, आहार, आचार और विचार। विचार क्या? जियो और जीने दो, ये विचार। अपरिग्रह हमारे संस्कार आधारित विचार, अहिंसा संस्कार आधारित विचार, अशौच संस्कार आधारित विचार, ये सब उसमें चलता चला जाए। और इसी में से फिर आपकी जीवन और दुनिया बनती चली जाए। मैं पता नहीं कितना स्पष्ट कर पा रहा हूं, ये विषय सच में बहुत जटिल होता है, सभ्यता और संस्कृति। आपको आगे बढ़ना, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो ठीक है, मजा आ रहा है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि नया सुन रहे हैं? आज तक आपने शायद बहुत लोगों के मुंह से सभ्यता संस्कृति शब्द सुने हो लेकिन उनका अंतर ना पता हो। संस्कार क्या होते हैं वो बहुत बार सुने हो लेकिन उनका आधार क्या होता है ये पता नहीं। तो संस्कृति हमारी तीन तत्वों में विभाजित हो जाएगी, आचार विचार और आहार। अब अगर हम आचार विचार और आहार अपने हिसाब से करेंगे, माने सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, तब तो हम अपने जीवन को सुरक्षित, निरोगी और समाज उपयोगी और बाकी सब चीजें खड्डे में जाएंगे। अब हम इसमें देखना ये शुरू करें कि हमारी जिंदगी की संस्कृति या जो भारत की संस्कृति है, इसके ये जो तीन मुख्य तत्व हैं या आधार है, इसमें कहां कहां हमारा गड़बड़ घोटाला हुआ है, कहां कहां क्या क्या हुआ है, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है, तब ये आज की पूरी परिचर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकले। आप देखें आहार में कुछ परिवर्तन लगता है आपको हुआ? टेम्परेचर जोन के हिसाब से भारत का और यूरोप का हुआ हुआ है। विचार में लगता हुआ और आचार में हुआ, तीनों ही जगह हुआ। लेकिन कितना परसेंट हुआ है ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते? कितना परसेंट परिवर्तन आप मान? आहार में मैं ये कहूं 10% हो गया, 50% हो गया, ऐसा लगता है आपको? सबको 50% परिवर्तन हो गया आहार में? नहीं हुआ। कितना? 20 15% से शुरू करें और 20 तक मान लें या 25? चलो ठीक, एक साधारण वेरिएशन मान के चलें कि 15 से 25%, ज्यादा ज्यादा 30% परिवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या है? मैं ये इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर ये 15 से 30% का परिवर्तन हम ठीक कर लें तो हम भारतीयता में आ जाएंगे इस दृष्टि से, ठीक है? 25%, चलो ठीक है। और एक दूसरे प्रश्न में बात करता हूं, हमारे आचार में कितना परिवर्तन आया? 50 प्लस, चलो 50 प्लस मान लें कि आचार में परिवर्तन। और आखिरी विचार में क्या परिवर्तन? 80%। मान लो वो भी 50 प्लस, 80 कहना थोड़ा वो चला जाएगा डिबेट में, 50 प्लस कर, तो 50 प्लस का परिवर्तन विचार में है, 50 प्लस का परिवर्तन आचार में है और 15 से 25% आहार में। इसका मतलब ये हुआ कि आहार में हमारे अभी भी सबसे कम परिवर्तन आया है, यही हुआ ना? इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय आहार ही ग्रहण कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आबादी का करीब करीब 25% हिस्सा विदेशी आहार ग्रहण कर रहा। अब विदेशी आहार क्या है वो आप सब जानते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, सॉफ्ट ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक्स है, बियर है, वाइन है, ये सब है, उनके आहार में आ गया है 25 से 30%। अब ये आहार आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा ये जरा हम देख लें कि हमारी जिंदगी बनाई है भगवान ने और उसके अंदर के जेनेटिक मटीरियल दिया है जिसको आप जीवन सूत्र कहते हैं, गुण सूत्र कहते हैं, तकनीकी भाषा में इसको DNA और RNA कहते हैं, ये उस टेम्परेचर जोन के लिए बनी है जो 15 से 45% वाला है, ठीक है? तो 15 से 45% का टेम्परेचर वेरिएशन वाले एरिया में रहने वाला जो शरीर है वो खास तरह का होगा। वो कैसा होगा? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, यही होगा ना? इसलिए भारतीय जलवायु को समशीतोष्ण कहते हैं, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी।
तो जलवायु जैसी है वो गर्म करें और या तो इसको बहुत ठंडा करें तो समस्या पैदा होती है। तो अब आप ध्यान रखिए आज से कि आपकी जीवन शैली में आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म कर दे ना बहुत ज्यादा ठंडा कर। अब इसको नाम नहीं, बहुत गर्म हो जाए आप खुद ही बता सकते हैं। सबसे ज्यादा चाय कॉफी से भी पहले बियर वाइन विस्की शराब, जिसको आप एक शब्द में देखें शराब, ये पहला आहार है जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है। और शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी आने के कारण ही मनुष्य वो सब करता है जो सामान्य स्थिति में उससे करने की अपेक्षा नहीं की जाए, ठीक है। तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्म करे ऐसी शराब अगर है तो ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, और जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो आपकी संस्कृति के भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रकृति के संस्कार ही संस्कृति को निर्धारित करेंगे, तो आपकी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें ये तय करना चाहिए कि शराब हमारी प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो ना पिए। और ये गर्म कैसे करता है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को जैसे ही आप शराब पिलाते, कोई भी शराब पिलाते, कोई भी, इमीडिएट उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, इमीडिएट। और आयुर्वेद की भाषा में कहूं, ये एलोपैथी की भाषा में मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, आयुर्वेद की भाषा में मैं कहूं तो तुरंत उसका पित्त बढ़ना शुरू हो जाए। पित्त माने आग लगना शुरू होती है शरीर। अब आपका शरीर तो समशीतोष्ण है, ध्यान रखिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जब आग लगेगी अंदर से शरीर में तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस आग को शांत करने में लगेगी, और तब तक लगेगी जब तक ये आग शांत नहीं होगी। तो प्रतिरक्षण प्रणाली को काम करने के लिए रक्त ऊंधन के रूप में चाहिए। तो आपका रक्त शरीर का सारे अंगों से भागकर वहां आएगा जहां आपकी आग को शांत करने का काम चलेगा, माने पेट की तरफ सारा रक्त आ जाएगा। और अगर आपने शराब पी ली और पेट की तरफ आपका सारा रक्त आ गया, इसका माने रक्त जहां जाना चाहिए वहां नहीं होगा, ब्रेन को चाहिए वहां नहीं है, हार्ट को चाहिए वहां नहीं है, किडनी को चाहिए वहां नहीं है, लीवर को चाहिए वहां नहीं है, वो सब आ गया पेट में। और ये रहेगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो 2 से 5 घंटे तक आपके शरीर के बाकी ऑर्गन रक्त की कमी से तड़पेंगे और उनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शराब पीने वालों के अंदर के सारे अंग खराब होते हैं, वो इस कारण से होते हैं। आपने देखा बहुत ज्यादा शराब पीने वालों के अंदर के अंग सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, और इसलिए उनको मृत्यु की दर सबसे ज्यादा है या उनको तकलीफ की दर सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत की प्रकृति और संस्कृति में शराब का स्थान नहीं है। फिर आप कहेंगे जी सोमरस तो था, सोमरस और शराब में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। अंतर क्या, सोमरस और शराब दोनों का अंतर उतना ही है, इसको ध्यान से कहिए सुनिएगा, सोमरस और शराब का अंतर उतना ही है जितना डालडा और गाय के घी का है। डालडा और गाय के घी का अंतर आप समझ सकते हैं, इतना ही अंतर सोमरस और शराब में है। सोमरस जो है आयुर्वेद का एक औषधीय रूप है, आयुर्वेद में एक औषधीय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्त को बढ़ाने का काम करता है, माने भूख ज्यादा ठीक से लगे इसके लिए सोमरस पान किया जाता है भारत में। शराब और सोमरस में जमीन आसमान का अंतर है। शराब क्या करती है कि जो पित्त आपका पहले से शांत है उसको भड़का देती, एक सुलगना होता है एक भड़कना होता है, दोनों शब्द आप समझ पाएंगे। आग कहीं धीरे धीरे सुलग रही है तो खतरे की संभावना बहुत कम है, और भड़क के लग गई है तो आस पड़ोस की बिल्डिंगें जल जाएंगी। तो शराब जो है वो पित्त को भड़काती है और सोमरस पित्त को सुलगाता है। तो सुलगा हुआ पित्त ये तो हमें चाहिए, भड़का हुआ नहीं चाहिए, माने शराब नहीं चाहिए, चाहिए तो सोमरस चाहिए। अब आप कहेंगे जी सोमरस बनता कैसे है, उसकी विधि
उसकी विधि है, आप चाहो तो वो भी मैं बता सकता हूँ। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए बाघभट्ट, उन्होंने घर में सोमरस बना के पान कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा। और जो शराब पिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पित्त भड़के और कब मौका। सोमरस बहुत ही संतुलित है, ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नींबू का शरबत पिए, ठीक है, और नींबू का शरबत पिए तो आपको कैसा लगेगा, और खाली नींबू का रस निचोड़ कर पिए तो कैसा लगेगा। शराब वैसा ही कुछ है नींबू का खाली रस, और सोमरस वैसे ही कुछ है जो नींबू की शिकंजी। शिकंजी सबको पीने के लिए आयुर्वेद कहेगा, नींबू का रस सबको नहीं चलेगा। वो कोई बहुत गंभीर बीमारी, कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए जो शरीर को जरूर से ज्यादा गर्म करे, उसमें सबसे पहली वस्तु शराब। तुम्हारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है शराब। तो आप कहेंगे जी इतनी शराब अब पीने लगे, ये कहां से आए, ये यूरोप की नकल की है। हम दुर्भाग्य से 400 450 या 500 साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फंस गए, या तो उनके गुलाम हो गए, तो उनकी नकल कर करके हमने ये शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा नहीं। आगे बढ़े, शराब एक वस्तु हुई जो हमारे आहार में फिट नहीं बैठती। दूसरी वस्तु जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म करे, उसमें दूसरे पॉइंट पर है कॉफी और चाय। शराब तो बहुत ही भड़काती है पित्त को, कॉफी और चाय भी पित्त को भड़काता है, लेकिन शराब से थोड़ा कम, नींबू की शिकंजी से तो कई गुना ज्यादा। तो अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपकी संस्कृति और प्रकृति में चाय और कॉफी भी संभव नहीं है आहार के रूप में। फिर और थोड़ा आगे चले, और कौन सी गर्म चीजें हैं जो आपके शरीर को एक लिमिट से ज्यादा गर्म करते हैं, जो रोज जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं। मिर्च मसाला बिल्कुल सही कहा, मिर्च और मसाले ये पित्त को जरूरत से ज्यादा गर्म करते हैं। तो तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रकृति है और संस्कृति है उसमें ज्यादा मिर्च मसाले में, लाल मिर्च हमारी प्रकृति में कहीं भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं, तो कम से कम लाल मिर्च को तो विदा कर दीजिए। आपको मालूम है ये लाल मिर्च पुर्तगाली आए हमारे यहाँ, वो लाए पुर्तगीज लोग, हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ काली मिर्च है, और लाल मिर्च भोजन से निकल जाए तो और भी अच्छा। कौन सी ऐसी चीज है जो रोज के जीवन में है जी? फास्ट फूड बिल्कुल सही बात है, जो फर्मेंटेड ज्यादा है वो गर्म बहुत करेगा। और मैंने आपसे कहा पाव रोटी है, फास्ट फूड का मुख्य आधार पाव रोटी है, तो पाव रोटी फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड कोई भी चीज आप खाएंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करने वाला। तो ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब कुछ, इसको फास्ट फूड ना कहें, यूरोपियन फूड कहें, क्योंकि फास्ट फूड तो भारत में भी है। फास्ट फूड का हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, जल्दी पचने वाला भोजन, सबसे अच्छा है खिचड़ी, वो बहुत फास्ट फूड है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में फास्ट फूड की जो डेफिनेशन है ना, आसानी से जल्दी से पचने वाला भोजन, उसमें नंबर एक पर खिचड़ी, नंबर एक पर खिचड़ी, और पूरे भारत में खाई जाती है। और दूसरे नंबर पर इडली है, इडली जो अभी आधे भारत में खाई जाती है, दक्षिण में तो पूरे में, आधे भारत इडली। तीसरा है सांभर, चौथा है रसम, पांचवा है उत्तपम, और ये पूरी सूची है 100 से ज्यादा वस्तुओं की फास्ट फूड। तो फास्ट फूड भारत में भी है, बस आप उसको विभाजन ऐसा करिए, यूरोपियन फूड पिज्जा, इडली, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन। और एक चीज है जो आप बार बार ध्यान नहीं ला पा रहे, मैं बता देता हूँ, शरीर को गर्मी जरूरत से ज्यादा भड़काने वाली एक और चीज है आपके भोजन में, वो है मांस। आप क्योंकि खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन भारत के भोजन में मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार के आंकड़े हैं कि भारत के कतल खाने पहले विदेशियों के लिए चलते थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, स्वदेशी लोग ही इतना मांस खाने लगे हैं कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो मांस हमारे शरीर में ऐसी ही एक वस्तु है जो जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट करेगी,
क्योंकि मांस को पचना उतना ही मुश्किल है जितना शराब को पचना होता है। इसलिए भारतीय भोजन में मांस तत्व का निषेध रहा है, प्रकृति में भी और हमारी संस्कृति। तो आप कहेंगे क्या भारत में करोड़ों साल किसी ने मांस नहीं खाया? हमारे यहाँ ध्यान ये रखिए कि आपके शरीर को संतुलन रखना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ऐसी स्थिति में कुछ चीजें वर्जित है, उसमें शराब है, मांस है, चाय है, कॉफी है। लेकिन अगर शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है और उसको वापस गर्म करना है तो मांस औषधि के रूप में इस देश में कुछ कुछ शास्त्रों में खाने का विधान है, सभी में वहां भी नहीं। जरूरत से ज्यादा ठंडा हो, अब उसको गर्म करना है वापस, या तो ठंडा हो जाए तो हो जाने दो, मर जाने दो, खत्म हो गया कहानी। लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है तो कुछ स्थिति में कहा गया है कि इस पक्षी का मांस या इस पशु का मांस इसको खिला दिया जाए, लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में। भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे। अगर 1,00,000 पेशेंट को हम देखेंगे तो मुश्किल से 5 पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा होता हो, क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा ठंडा होने के लिए गुंजाइश नहीं है। 15 डिग्री के नीचे तो आपका तापमान कभी जाता नहीं है, और बाहर के तापमान से अंदर का तापमान अपने को लगातार संतुलित रखने की कोशिश करता है, इसी के लिए शरीर काम करता है, इसलिए ज्यादा ठंडा होने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, भारत के कुछ इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, वहां बहुत ठंडा हो सकता है क्योंकि -5, -6, -10 तक चला जाता है, तो वो जब मांस खाए तो कभी कभी उनके लिए काम आ सकता है। लेकिन नागपुर में रहने वाला कोई मांस खाए जहाँ +45 से भी आ गए तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित है। तो अब हम इसकी सूची ध्यान में रखते हैं। शराब, चाय, कॉफी, मांस, बहुत ज्यादा तीखे मसाले, ये सब वर्जित है हमारे आहार में। इसलिए भारत में बार बार कहा जाता है कि स्वस्थ रहना है तो सात्विक आहार लो, तामसिक नहीं, सात्विक। तामसिक आहार हमारे लिए वर्जित है। तो तामसिक आहार में ये सब आता है, मांस, मदिरा, मछली, कुछ भी तरह का मांस, कितनी भी तरह की उसमें तीखापन, मिर्ची वगैरह, ये उसका हिस्सा है। तो हम आहार के बारे में करें कि अब हमारे आहार में थोड़ी शुद्धि आए तो हम भारतीय बन जाए, माने ज्यादा गर्मी वाला खाना ना खाए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा जुड़ा हो, ज्यादा ठंड वाला भी ना खाए जो शरीर को एकदम ठंडा कर दे। अब शरीर को एकदम ठंडा करें ऐसी क्या चीज है जो आप भोजन में यूज कर पाए? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये दो चीज है, या बर्फ, बर्फ के बने हुए कोई भी पदार्थ, आइसक्रीम से बने हुए कोई भी पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक से बने, ये शरीर को जरूरत से ज्यादा ठंडा ना कर दे, इसलिए इनका भी वर्जन। इसलिए भारतीय आहार में सॉफ्ट ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स दोनों ही प्रतिबंध, कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार की शुद्धि अगर हम कर लें तो संस्कृति हमारी काफी वापस आ जाए। माने भारत में आप रहते हैं तो भारत के ही भोजन उपयोग करना जो हजारों साल से चले आए, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। अब आप बोलेंगे जी हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में दादा दादी के साथ बैठ जाइए, नाना नानी के साथ बैठ जाइए, आपके घर में कोई भी बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, कम से कम एक पीढ़ी ज्यादा है, वो सब आपको लिस्ट बना देंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। उस पर मुझे व्याख्यान देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो, नहीं है तो कभी दोबारा उस पर सोचेंगे, बात करें। अभी मुझे विषय पूरा करना है इसलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु पे आते हैं। आहार हुआ, आहार के बाद अब आ जाइए आचार। आचार आपका ऐसा रहे जो 15 डिग्री से 35 डिग्री के वेरिएशन में एडजस्ट करे, तो आचार आपका ऐसा है। आचार में पता है क्या आता है? पूरी दिनचर्या और जीवनचर्या, ये आचार में आती है। सवेरे से शाम तक आपका दिन कैसे बीतना चाहिए, ये पूरा का पूरा आपके आचार में आता है। दिनचर्या, दिन को कैसे बिताना, ऋतुचर्या, ऋतु माने जो मौसम बदलते हैं उसमें आपका आचरण कैसा होना चाहिए। अभी एक खास तरह का मौसम आ गया बारिश का, तो उस समय आचरण कैसा होना, बहुत ठंडी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना, और बहुत गर्मी का मौसम आ गया तो आचरण कैसा होना। तो ऋतु के आधार पर, सबसे मुख्य आधार है ऋतु,
तो ऋतुचर्या उसको कहा गया और दिन सवेरे से शाम तक। तो सवेरे से शाम तक और ऋतु के आधार पर अगर आप अपना जीवन चलाना शुरू करें तो आप भारतीयता में वापस आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे इसके बारे में कुछ माहिती है क्या? हाँ है, छोटी छोटी माहिती है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं तो शरीर भी समशीतोष्ण रहे। समशीतोष्ण हर जगह सम में रहे शरीर। आयुर्वेद में भी ये कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों सम में रहे। भारतीय लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो शरीर की कोई भी अवस्था सम से ना जाए, माने ज्यादा सोए नहीं एक, क्योंकि सम टूटेगा, ज्यादा जगे भी नहीं उसमें भी सम टूटेगा। तो जगना और सोना दोनों संतुलित नियमित। तो शास्त्रों के आधार पर भारत के लिए जगने और सोने की जो अवधि तय की गई है वो दो तरह से तय की गई है। एक तो ऐसे लोग जो शरीर श्रम बहुत करते हैं और एक तो ऐसे लोग जिनका शरीर श्रम कम है। तो जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं उनके लिए सोना कम से कम 8 घंटे और जगना 16 घंटे। सोना 8 घंटे, जगना 16 घंटे। शरीर श्रम करने वालों को स्पष्ट निर्देश है भारतीय शास्त्रों में कि जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा उनको सोना ही पड़ेगा शरीर को सम रखने के लिए। लेकिन जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते उनके लिए सोने का है 6 घंटे और जगना है 18 घंटे। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर शरीर श्रम नहीं है आपका तो 6 घंटे सोना पर्याप्त है और शरीर श्रम है तो आगे। लेकिन कभी कभी एक छूट दी गई है, वो ये कि आपका शरीर जब स्वस्थ महसूस करे उतनी देर सोएगा। ये तीसरी एक कैटेगरी बनेगी। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जब आप कोई बीमारी की स्थिति में है, कोई रोग की स्थिति में है, तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ महसूस ना करे तब तक सोए और जब स्वस्थ महसूस करे तो जगे। वो बीमारी की स्थिति है तीसरी बार। स्वस्थ होने की स्थिति 8 और 6 घंटे की, श्रम करने वालों को 8, नहीं श्रम करने वालों को 6। और बीमारी की स्थिति में जब तक आप सोए और महसूस करें स्वस्थ वहां तक तो 10 घंटे भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, हमारे भारतीय शास्त्रों में एक स्पेशल कैटेगरी है, अलग से लिखा गया है बच्चों के लिए। बच्चे होते हैं 1 साल की उम्र तक के बच्चों को 18 घंटे सोए, 3 साल तक की उम्र वालों को 16 घंटे, 5 साल तक की उम्र वालों को 14 घंटे और उससे आगे 7-8 साल के हो जाएं तो 12 घंटे, फिर 10 साल के हो जाएं तो 8 से 10 घंटे, जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करें तो 8 घंटे। जो शरीर श्रम वाले हैं उसी कैटेगरी में आ गए। और 15 साल की उम्र का लड़का या लड़की माना जाता है कि वो मनुष्य होने की स्थिति में है, तो फिर वही श्रम वाला अगर मानसिक श्रम करता है तो 6 घंटे, शरीर श्रम करता है तो 8। तो आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में हमेशा ध्यान। ठीक है, तो सोना जगना हुआ। अब इसमें थोड़ा आगे है आचार, सोना जगना। अब अगर आपने सोना जगना फिक्स किया है तो टाइम फिक्स करना। अगर आपकी 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है तो रात को कितने बजे सोना आपके लिए फिक्स करना पड़ेगा। 8 घंटे की नींद चाहते हैं तो रात में कम से कम आपको 8 बजे 9 बजे तक तो सो ही जाना पड़ेगा, तभी 8 घंटे की नींद हो सकती है। तो इसका माने ज्यादा देर रात्रि जागरण भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, तो ज्यादा रात्रि जागरण ना करें। लेकिन समय विशेष पर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको जागरण करना ही पड़े तो वो साल में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे समय विशेष कोई आया, आपके घर में कोई पूजा हो रही, महाभारत का पाठ या मान लीजिए रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है तो 24 घंटे पूरा होता है, तो उसमें एक विशेष परिस्थिति है। तो साल में 1 दिन आप ऐसा, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन, हफ्ते भर का पीरियड है जो आप इसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन रोज का ये नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि बेचारे ये लोग जो कंप्यूटर पर बैठ बैठ के अमरीकी लोग अमरीकियों का काम करते रहते हैं, जिनको आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउसिंग में काम करते हैं, ये सब लोग भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं। रात को सोते हैं, रात को जगते हैं, दिन को सोते हैं। और इसी का दुष्परिणाम है
30-40 की उम्र तक आते आते किसी को दमा, किसी को अस्थमा, किसी को हार्ट अटैक, किसी को डायबिटीज, किसी को नपुंसकता, ये सबसे ज्यादा बढ़ गई। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूँ और निःशुल्क प्रैक्टिस करता हूँ सेवा के, तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर बताना मुझे ये, वो नपुंसकता के आते हैं। और मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो इन्हीं लोगों की है जो सॉफ्टवेयर में, बिजनेस प्रोसेस हाउस में और आउटसोर्सिंग के काम में लगे, पति और पत्नी दोनों। पत्नी 35 साल की है, पति 40 साल का है, 10 साल शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए, और वो कहते हैं जी राजीव भाई, वो धीमे से बोलते हैं, कोई ऐसी दवा बताओ कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। तो मैं उनको मजाक करता हूँ कि यार तुमने पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं पढ़ी, कहते क्या कहानी। मैंने कहा एक एक राजा के पास 100-100 रानी होती थी, कैसे संतुष्ट करता था, तू एक को नहीं करता। तभी वो परेशान हुआ। मैंने कहा सोचो तो सही कि एक राजा के पास 100 रानी को संतुष्ट तो करता होगा, नहीं तो भाग जाएंगी कि नहीं, कैसे रहेंगी उसके पास, और तुम एक को नहीं संतुष्ट कर पा रहे, तो तुम्हारे जीवन शैली में और राजा के जीवन शैली में क्या अंतर आया जरा देखो। तब उनको नहीं हुआ, ये नपुंसकता सबसे बड़े पैमाने पर फैल रही है इस क्लास में जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउस में काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत डर लगता है कि इस पूरे क्लास में 70% नपुंसक स्त्री और पुरुष को 70%, इसलिए उनके यहाँ बच्चे ज्यादा नहीं हुए। आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे करना नहीं चाहते, हो ही नहीं रहे, करना नहीं चाहते वो बात अलग, हो ही नहीं रहे, क्योंकि जीवन शैली का ये बिल्कुल उल्टा हो गया, रात को जगना सुबह को सोना, यहां तो बहुत तकलीफ है। तो भारतीय कामे अगर रात को आप सोते नहीं और दिन में आपको सोना 4 से 5 के बीच हो, कोशिश करिए अगर इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके घर में है, अगर आप उस पर विजय पा लें तो ये आसान है। अगर टीवी का कनेक्शन काट सकें या तो कंट्रोल आपका इतना हो कि हम जब चाहेंगे तभी स्विच ऑन होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आपको देखकर करेंगे। टीवी रखिए लेकिन कंट्रोल रखिए रिमोट पर, और अगर कंट्रोल नहीं है तो कनेक्शन काटिए, उसमें कुछ दुविधा मत पाइएगा कि कनेक्शन काटेंगे तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे, ऐसी उसमें कोई बात नहीं आ रही है कि आप दुनिया से आगे निकल जाए, उसको देखिए जो पिछड़ने की कल्पना आप करें। कोई जानकारी ऐसी नहीं आ रही है जो आपको दुनिया से आगे निकालती हो, तो पिछड़ने का डर क्यों। तो ये सोने का, जगने का, खाने का, और थोड़ा आगे बढ़े, आप भारतीय आचार में सवेरे से शाम तक हमारी दिनचर्या है, तो कब सोना है तो वो तय है, कब उठना है वो भी तय हो गया, कितनी देर काम करना है, कितनी देर आराम करना है, ये तय हो गया। अब इसमें आपको कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, एक ही चीज ध्यान रखिए, भारतीय जीवन समशीतोष्ण है तो हर जगह सम रहना चाहिए, ना ज्यादा चलना ना ज्यादा बैठना, ना ज्यादा बैठना ना ज्यादा चलना, माने चलना भी ज्यादा मत करिए, बैठना भी ज्यादा मत करिए। तो आप बोलेंगे हमारे शरीर को कितना चलना चाहिए, भारतीय जो जीवन है 15 से 35 डिग्री वाला, इसमें एक दिन में 5 किलोमीटर चलना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कभी मत चलिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। मैं अभी से बताता हूँ, बहुत लोगों को ऐसा होता है ना, हम ज्यादा चलेंगे तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा, ये बेकार की बात है, 5 किलोमीटर से ज्यादा भारत में मत चले, नहीं तो क्या होता है, चलने से वायु का प्रकोप बढ़ता है शरीर में, और वायु एकत्रित होती है गर्म, वो सब सिर में एकत्रित होती है, क्योंकि गर्म वायु तो ऊपर ही उठेगी ना, तो पांव से उठना शुरू होती है, सिर में इकट्ठी होती है, और सिर में गर्म वायु इकट्ठी हो जाए तो कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, एनी टाइम पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किसी भी समय, इसलिए 5 किलोमीटर से ज्यादा चलने की कभी भी कोशिश मत करें। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है तो 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं, जैसे आप तो तीर्थ यात्रा को निकल गए हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा रोज नहीं होती, साल में कभी एक बार या 2 साल में कभी एक बार, तो आयुर्वेद में उतना आपका ध्यान रखता है कि कोई विशेष परिस्थिति हो साल में एक बार या 2 बार तो आप पैदल ज्यादा चल सकते। आपने देखा जैन मुनि भी पैदल चलने के बाद उनके निश्चित दिन होते हैं कि इतने दिन विश्राम करना ही पड़ेगा, तभी दोबारा प्रवास को शुरू करेंगे, और फिर
अगर उनको सतत पैदल चलना है तो उसका पूरा विज्ञान विकसित हुआ जो क्या खाना है जो उनके वायु को लगातार कंट्रोल करे। इसलिए ऋषि मुनियों का खाना आपसे बिल्कुल अलग होता है, कब सोना कब उठना कब बैठना कितना चलना कितना नहीं चलना, ये सब आप सम पे रखिए। और सम का अंदाजा लगाना अपने शरीर के लिए बहुत आसान है, जितना करने मात्र से आप स्वस्थ महसूस करें वो आपके लिए सम, और जितना करने मात्र से आपको लगने लगे कि मैं अब अस्वस्थ हो गया वो आपके लिए असम। तो सम पे रहिए असम पे मत जाइए। और आखिरी देखिए आचार हो गया आपका आहार। अब विचार, विचार में हमारी जो जीवन दृष्टि है वो ध्यान रखिए हमेशा। हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे भी जन्म लेना है और यही प्रकृति की मदद से हमें जिंदा रहना है। तो प्रकृति का नष्ट हो ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करें। अब प्रकृति को नाश करने वाले बहुत सारे काम हैं, जैसे उनमें से एक काम है सिगरेट पीना, जो सबसे ज्यादा प्रकृति का नाश करता है, कई तरह से नाश करता है। एक तो जो धुआं आप छोड़ते हैं उसमें जहर है, दूसरा सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, कागज के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, प्रकृति का नाश होता है। और तंबाकू उत्पादन करने के लिए बहुत सारा धान उत्पादन बंद करना पड़ता है, वहां फिर नाश होता है। और फिर आप पीते हैं तो आपका और पड़ोसी का दोनों का ही नाश होता है। तो सिगरेट नहीं पीना जिससे प्रकृति हमारी संतुलन में है और शरीर भी रहे, क्योंकि सिगरेट भी गर्मी करती है, तंबाकू भी गर्मी करती है, गुटखा भी बहुत गर्मी करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो बीड़ी सिगरेट गुटखा पान पराग मांस ये सब आप नहीं कर पाएंगे भारतीय प्रकृति। प्रकृति को नाश ना हो ऐसा कोई दूसरा काम तो आप देखिए कौन कौन से आपके काम है। जैसे पानी का इस्तेमाल करना, प्रकृति का नुकसान ना हो इतना ही पानी का इस्तेमाल आप करें, माने जरूरत से ज्यादा पानी आपके लिए दुरुपयोग ना हो। अब जैसे आप एक बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो एक ही बाल्टी उपयोग करें, 10 बाल्टी आप अपने शरीर पर डालें और वो पानी वेस्ट जाए क्योंकि आप पानी बना नहीं सकते। तो पानी का स्नान का अपना मित व्यय था, जैसे खर्चे के लिए मित व्यय आप होते हैं वैसे पानी के लिए, क्योंकि पानी इस समय बहुत बड़ा संकट का कारण बना। तो दिन में एक बाल्टी पानी से नहाते हैं तो उतना काफी है, एक बाल्टी से कपड़े धोते हैं तो उतना काफी है, लेकिन इसमें लगातार चिंतन करते रहिए कि और कुछ कम हो सकता है क्या। जैसे शॉवर में नहाना बंद करें तो पानी बचत हो, डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोना बंद करें तो पानी की और ज्यादा बचत हो, क्योंकि डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है। डिटर्जेंट के कपड़े कभी भी आप धोते रहिए उसका झाग निकलना बंद नहीं होता, 10 बाल्टी में भी धो दीजिए तो कोशिश करिए कि डिटर्जेंट कम से कम इस्तेमाल करें, वो साबुन इस्तेमाल करें जो ऑयल केक के रूप में आता है, भट्टे वाला साबुन जिसमें पानी सबसे कम लगता है। इसी तरह से वायु है, शुद्ध वायु चाहिए, तो शुद्ध वायु के लिए प्रकृति का नाश ना हो, माने आपके हाथ से पेड़ ना कटे, क्योंकि पेड़ ही है जो वायु को उत्पन्न कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो आपकी तरफ से ज्यादा पेड़ लगे ना कि काटे जाए। तो इस तरह का जीवन आपका आए तो विचार वहां आ जाएगा, आचार यहाँ आ जाएगा, आहार आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा, तो संस्कृति आ जाएगी, संस्कार आ जाएंगे, आप भारतीयता में वापस आएंगे। ये मेरे आज के इस पूरे व्याख्यान का विषय है। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ, वरना ये विषय तो बहुत लंबा भी चल सकता है क्योंकि 1:30 बजा 11:30 से मैंने बोलना शुरू किया, 1:30 बजे आप अगर कहें तो 10 मिनट में स्पेसिफिक आपको वो वाला हिस्सा फिर से बता दूं जो बहुत आवश्यक है। आहार जी, सामान्य व्यक्ति गाड़ी घोड़े तो अभी वर्तमान में आए हैं, पुराने जमाने में तो जैसे आदमी खेत जाता था, बाहर गांव भी जाता था, तो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर का अंतर रहता था जी। और अभी भी कहते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए तो कोई बोलता है 3 किलोमीटर करता है, 4 किलोमीटर करता है, और बाद में तो वो करता ही दिन भर में, तो ये थोड़ी असामान्य। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये समझने की जरूरत है कि भारत में आज से 100 साल पहले तक किसी को भी 5 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी कुछ होता था वो उसके आसपास हो जाता था, जैसे भोजन नजदीक में ही उपलब्ध हो जाता था सबको, कपड़े बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हो जाते थे सबको, लोग पैदल यात्रा करते थे दो ही कारण से, या तो उनको तीर्थ यात्रा पे जाना पड़े या तो उनके किसी रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो ब्याह हो, पर दो ही स्थिति में रोज कोई भी 50 किलोमीटर पैदल नहीं चलता उस जमाने में, साल में कभी एक बार या दो बार, कभी कभी तो 10 साल में एक बार या दो बार चलते,
जब तीर्थ यात्रा पर जाना होता था, गाड़ी घोड़े नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है, तो वो दसियों साल में कभी एक बार तीर्थ यात्रा पे जाते थे, दसियों साल, कभी कभी 15 साल में, 20 साल, रोज नियम के रूप में 50 किलोमीटर चलना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल वर्जित। गांधी जी भी इसको बहुत हिसाब से कैलकुलेशन करते थे, वो पदयात्राएं करते थे ना, तो एक पदयात्रा से दूसरे के बीच 10 साल का अंतर रखते थे, एक की 1919 में, दूसरी की 1930 में 11 साल के बाद, तीसरी की 1942 में 12 साल के बाद, मतलब बिल्कुल गणित लगा के वो काम करते थे गांधी। तो वो इसलिए शायद बिना दवा के इतने दिन जिंदा रहे इस देश में। तो आयुर्वेद का बिल्कुल स्पष्ट उपदेश है कि आपको रोज की जिंदगी में 5 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़े तो आप तय मानिए कि कोई ना कोई असंतुलन पैदा होगा, उसमें वायु असंतुलन सबसे ज्यादा होगा, और वायु असंतुलन से 48 रोग हैं जो आएंगे। इसलिए वॉकिंग भी ज्यादा नहीं और सिटिंग भी ज्यादा, रोज अगर आप 5 घंटे बैठे हैं या 6 घंटे बैठे हैं ये भी ठीक है, बैठने का एक सिटिंग में 1.5 घंटे का नियम है, 1.5 घंटे लगातार बैठने के बाद उठना ही चाहिए थोड़ी देर, नहीं तो पीठ में ये जो आपके तरह तरह की बीमारियां, सबसे ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है उन्हीं लोगों को है जो लगातार 6 घंटे 8 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं। सम में रहिए, तो सम के नियम है 1.5 घंटे से ज्यादा एक साथ सिटिंग करिए, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, और 8 घंटे से ज्यादा सोइए मत, उसको भी ब्रेक दीजिए, 5 किलोमीटर से ज्यादा चलिए मत, उसको भी ब्रेक दीजिए, इस तरह के कुछ नियम है जो शरीर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जी, और जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज थी जिसमें एम्प्लॉइज सब वहाँ शिफ्ट कर, तो सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहिए? सरकार की तरफ से अगर कुछ आउटसोर्सिंग जाता है तो उनकी वो पॉलिसी है, तो सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन हम अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहते हैं, हम जरूर कर सकते हैं। ये बीपीओस में काम करने वाले लोगों को, जिनको ये लगता है कि 15,000 की पगार है, 20,000 की, 40,000 की, उनको अगर थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करें तो सब खुल जाता है। उनको पूछना कि भाई 40,000 की पगार किसके लिए? अपने शरीर को सुख देने के लिए ना, सुख देने के लिए। और वो सुख आप कैसे देंगे? 40,000 की पगार में सबसे पहला सुख देंगे कि एसी लगाएंगे घर में, दूसरा बड़ा सुख देंगे तो कार लाएंगे घर में, तीसरा बड़ा सुख देंगे तो 90,000 का या 1,00,000 का गाड़ी लाएंगे, जापान्स लाइट या बैट लेके आएंगे, चौथा बड़ा कोई सुख देंगे, तो यही सब उनकी परिभाषा में चलता जाएगा। लेकिन धीमे से पूछिए, ये सुख है कि सुविधाएं? ये सुख है या सुविधा है? सुविधा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी है क्या कि हर सुविधा में से सुख मिले? क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 90,000 के जापान स्टाइल के बेड पर सोते हैं और नींद ही नहीं आती, 4-4 कंपोज खाते हैं फिर भी करकटे बदलते रहते हैं, नहीं आती नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके घर में इटालियन मार्बल्स के टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन टॉयलेट रूम में 2-2 घंटे बैठना ही पड़ता, बाहर ही नहीं आ सकते, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। तो सुविधाओं में से सुख मिलता है ऐसा कभी होता नहीं। सुख जो है मन की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधाओं के भी प्राप्त हो सकती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोई आदमी है बहुत दुखी है, आपने देखा कि ये बहुत दुखी है, इसके दुख को दूर करने के लिए आपके पास कोई भी क्षमता है, और आपने उससे काम किया, थोड़ी देर के लिए वो सुखी हो गया, आप उससे ज्यादा सुखी हो गए। माहेश्वरी समाज के युवकों को मैंने कई जगह देखा है सेवा काम करते, एक बार मैंने देखा कच्छ, ये भूकंप आया तो मैं उसे कहता था क्यों आए हो, घर बार दुनिया पत्नी बच्चे सब छोड़कर, करोड़ों का बिजनेस छोड़कर रात दिन भाग रहे हैं भाग रहे हैं, तो वो धीमे से कहते थे सुख प्राप्ति के लिए आए, तो वहाँ सुविधा तो कुछ नहीं थी, खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं, सोने को जगह नहीं, सड़क पे ही सोना पड़ता है, गाड़ी में ही सोना पड़ता है, लेकिन वो कहते थे राजीव भाई ये 4 महीने जो सुख मिला वो 40 साल जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि आपने दूसरों को सुख देने का प्रयास किया, तो दूसरे को दिया हुआ थोड़ा सा सुख आपके लिए बड़ा रिटर्न बनता है, इसमें सुविधा का कोई स्थान नहीं। तो हम कोशिश करते हैं सुखी हो, जरूर हो, सबका अधिकार है सुखी होने का, लेकिन ध्यान ये देने की जरूरत है कि सुविधाओं में से सुख निकलता है। तो धीरू भाई अंबानी सबसे सुखी आदमी होता था जो खुद कहता था कि 4 कंपोज खाने के बाद भी उसको नींद नहीं आती, और आप जानते हैं कि अनिद्रा की समस्या में ही उसकी मौत हुई।
नींद नहीं आती थी, हर कहीं कारा नजर के कारा हम मर गए। तो सभी पैसे वाले करोड़पति सुखी हो जाते अगर ऐसी ही, तो सुख का सुविधा का अंतर करना सीखें। हम 40,000 की, 50,000 की, 5 लाख की, 10 लाख की नौकरी करके सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन सुख निकले ऐसी स्थिति की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर उसमें फंसना क्या है? अगर मान लीजिए 5 लाख की नौकरी आप करें और सुविधाएं जुटाएं, तो 12 घंटे काम तो करने ही पड़ेगा। 12 घंटे काम करके शरीर में डायबिटीज आ गया, आर्थराइटिस आ गया, ब्रोंकाइटिस आ गया, हार्ट अटैक आ गया, फिर 5 लाख की इनकम आई, उसमें से 2.5-3 लाख हर साल डॉक्टर को गया, 1.5-2 लाख किसी एजेंट के कहा, तो फायदा क्या है इतना सब मगजमारी करने का? बचा तो वही 50,000 अंत में। कैलकुलेशन इससे अच्छा ये है कि अगर जिंदगी में नियम और प्रकृति और संस्कृति के हिसाब से चलो, भले पगार कुछ कम है लेकिन सुखी रहने की गारंटी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मजदूरों को देखा, बहुत सुखी है, उनका कभी भी ब्लड चेक कराओ तो ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल निकलता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकलता है, नींद भी अच्छी आती है। वो कहते हैं हम सड़क पे सो जाते हैं, हमें बहुत अच्छी। तो सुविधा और सुख में थोड़ा अंतर करना हम सब सीखे। भारतीय संस्कृति में सुख ये दुनिया में और कहीं कहा ही नहीं गया। आप जितने श्लोक पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, वो सब सुखी होने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, कोई दुखी हो ही नहीं, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। तो ये ऐसे हजारों सूत्र हैं। तो सुखी होना तो बहुत परम तत्व है भारतीय संस्कृति का, लेकिन सुविधा युक्त होना ये कहीं भी किसी श्लोक में नहीं।